पाकिस्तान को देखते हुए भारत ने भी अब यूके के लिए वो फैसला कर लिया है जो इमरान खान ने इससे पहले किया था। इमरान खान के फॉर्मूले पर अब भारत भी अमल करने वाला है। याद रहे कि जैसे ही दुनिया भर में COVID-19 के चौथी वेव ने जोर पकड़ा और ख़ास तौर पर डेल्टा वेरिएंट जो कि भारत के अंदर पैदा हुआ और फिर दुनिया में फैल गया, तो इसके बाद बरतानिया की जानिब से कुछ ममालिक को ट्रैवलिंग के हवाले से रेड लिस्ट पर डाल दिया गया जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल थे। लेकिन इसमें सबसे पहले भारत को रेड लिस्ट से निकाला गया और पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर बरकरार रखा गया जिसकी पाकिस्तान के अंदर से काफ़ी ज़्यादा मजम्मत भी की गई थी क्योंकि डेल्टा वेरिएंट पहले भारत के अंदर पैदा हुआ और इसके सबसे ज़्यादा केसेस भी भारत में थे, लेकिन बरतानिया की जानब से भारत को सबसे पहले रेड लिस्ट पर निकाल दिया गया। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई गई जिसने फौरी तौर पर बरतानिया को पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसा करना वैसा भरने की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए बरतानवी चार्टर्ड एयरप्लेन को पाकिस्तान में लैंड करवाने से इनकार कर दिया था। 3 चार्टर्ड एयरप्लेन पाकिस्तान पहुंचे जो कि बरतानिया से आ रहे थे, उन्हें पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली, जिस पर पाकिस्तान का एक सख्त जवाब बरतानिया को मौसूल हुआ। जबकि दूसरी जानब बरतानवी टीम ने पाकिस्तान का दौरा भी मंसूख किया, तो इस पर भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि हम बरतानिया के साथ खेलने के लिए मरे नहीं जा रहे, वेन्यू तब्दील नहीं किया जाएगा, अगर बरतानिया को खेलना है तो पाकिस्तान आकर ही खेलना पड़ेगा, जिसके बाद पाकिस्तान को फौरी तौर पर रेड लिस्ट से निकाल दिया गया। अब भारत के साथ ये मामला पेश आया है कि भारत को पाकिस्तान से पहले रेड लिस्ट से तो निकाल दिया गया था, लेकिन भारत के कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को बरतानवी हुकाम की जानिब से सर्टिफाई नहीं किया जा रहा था, जिसका मकसद था कि रेड लिस्ट से निकलने के बावजूद भारत से आने वाले अफराद बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान के फॉर्मूले पर अमल करते हुए बरतानिया को जैसा करना वैसा भरने की स्ट्रेटजी के मुताबिक जवाब देने का फैसला किया है। भारतीय हुकाम की जानिब से बरतानिया के साथ इस मामले को उठाने और सख्त तरीन जवाब देने का फैसला किया गया है। जिस तरह पाकिस्तान ने सख्त जवाब दिया तो फौरी तौर पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल भी दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान के कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को तस्लीम भी किया जाता है।